अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, डॉलर बहुत स्काई रॉकेट कर गया है और पाकिस्तानी रुपी की वैल्यू कम हो गई है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स है उसकी प्राइसेस जो है बहुत बढ़ गई है। तो इस सूरत में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई चीप फ्लाइट जो है कैसे फाइंड करें कम से कम पैसों में, क्योंकि फ़्लाइट्स की प्राइस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई है। तो इस हवाले से मैं एक छोटी सी वीडियो में आपको बताऊँगा कौन कौन से तरीके आप यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू आप फ़्लाइट की कम से कम रेट फाइंड करो या चीप से चीप फ्लाइट जो है फाइंड करो। बेसिकली बात यह है कि पाकिस्तान से बड़ा मुश्किल होता है पैसे बचाना फ़्लाइट की सूरत में। पाकिस्तान से जनरली फ्लाइट्स एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में टिकट्स के ऊपर जो है ना टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है। दूसरे कंट्रीज़ के बनिस्बत पाकिस्तान में टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे गाड़ियों पे ज़्यादा टैक्स होता है, उसी तरह जो है ना फ़्लाइट की टिकट के ऊपर भी टैक्स ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फ़्लाइट की टिकट की प्राइस जो है वो महंगी होती है। तो इसकी वजह से पैसा बचाना मुश्किल हो जाता है। आप दूसरी कंट्रीज से पैसा बचा सकते हैं, मसलन आप थाईलैंड से मलेशिया जा रहे हो तो फ़्लाइट आपको बहुत चीप पड़ती है। यूरोप में कहीं पे जर्मनी में से फ्रांस जा रहे हो या फ्रांस से इटली जा रहे हो, और या इवन इस्तांबुल से अगर आप कहीं पर जाते हो यूरोप के किसी भी सिटी में, या लंदन से अगर आप यूएसए न्यूयॉर्क वगैरह जाते हो तो फ़्लाइट बहुत कम रेट पर बड़ी अच्छी डील्स मिलती है। लेकिन पाकिस्तान से आपको फ़्लाइट यूजुअली महंगी मिलती है, क्योंकि एक तो लिमिटेड फ़्लाइट्स है यहाँ पे, यहाँ से ज़्यादातर जो है ना कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है, और दूसरी बात यह कि टैक्स बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी चंद एक तरीके हैं जिनकी मदद से आप फाइंड करके थोड़ा सा कम प्राइस वाली फ़्लाइट जो है ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले ये कि आपको एडवांस में बुकिंग करनी होती है, ठीक है। जब भी आप बुक करेंगे फ़्लाइट, तो आपने वहाँ पे एक ऑप्शन होता है फ्लेक्सिबल डेट, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपकी डेट के अंदर, कि अगर एक हफ्ता आपने आगे कर दिया या पीछे कर दिया तो कोई मसला नहीं हो, क्योंकि अगर आपको अर्जेंट में जाना है तो फिर तो आपको उसी प्राइस में मिलेगी जो प्राइस है उसकी। लेकिन अगर आप आगे पीछे कर सकते हैं तो फिर आपको कम रेट वाली फ़्लाइट मिलने का इम्कान ज़्यादा होता है। तो जब भी आप फ़्लाइट सर्च करेंगे एयरलाइन की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे डेट सेलेक्ट के वक्त आप फ्लेक्सिबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, तो वो आपको फिर एक लिस्ट दे देगा एक कम्बिनेशन फ़्लाइट्स की, कि ये कम प्राइस पे आ रही है, ये ज़्यादा पे आ रही है। उसमें आप अपनी मर्ज़ी की फ़्लाइट सेलेक्ट कर सकते हैं कम प्राइस वाली। दूसरी बात है कि आपको एडवांस में बुकिंग करनी पड़ेगी। कम अज़ कम 2 महीने पहले आप फ़्लाइट बुक करेंगे ना, तो आपको आपके मर्ज़ी के प्राइस की या कम कम प्राइस की फ़्लाइट मिल जाएगी। ये एक मैं आपको जनरल फार्मूला बता रहा हूँ कि 2 से लेकर 3 महीने पहले आप अगर लेंगे, यानी कि 60 दिन से लेकर 90 दिन पहले आप फ़्लाइट बुक करेंगे, तो आपको कम से कम प्राइस पे पड़ेगी, ठीक है। और मैं तो जनरली 1-2 हफ्ते पहले बुक करता हूँ, तो उसमें कोशिश करता हूँ जब फ़्लाइट नहीं मिल रही होती तो फिर मैं थोड़ा वेट करता हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर ट्रेवलर हूँ। तो ये एक बड़ा नॉर्मल सा ट्रिक है जिसको आप यूज़ करके कम से कम फ़्लाइट फाइंड कर सकते हैं। फिर बात आती है कि भाई कोई एप्लीकेशन हो या वेबसाइट हो जहाँ पे हम जाके चीप से चीप फ़्लाइट फाइंड कर सकते। तो एप्लीकेशंस काफ़ी सारी है वैसे तो, लेकिन मैं आपको ये 3-4 रेकमेंड करता हूँ। इस पर आप जाके चेक कर सकते हैं, अपनी डेट्स आपको एड करनी होगी। इसमें सबसे मशहूर जो है गूगल फ़्लाइट्स। गूगल फ़्लाइट्स जो है वो आप गूगल में जाके लिखिए, गूगल फ़्लाइट्स आपके सामने आ जाएगा। वहाँ जाके आप अपने डेट्स ऐड करें और अपना डेस्टिनेशन ऐड करें कि कहाँ से कहाँ जाना है, तो पूरी लिस्ट आपको दे देगा आपकी डेट्स के हवाले से, और चीप से चीप ऑप्शन भी आपको सबसे ऊपर शो कर देगा। तो गूगल फ्लाइट्स के थ्रू आप जाके मालूम कर सकते हैं अपने डेट्स में। उसके अलावा स्काई स्कैनर एक बड़ा मशहूर एप्लीकेशन है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं किसी भी डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि ये सर्च इंजन है बेसिकली फ़्लाइट्स के ना, तो आपको चीप से चीप फ्लाइट ढूंढ के देते हैं। थर्ड नंबर पे कायाक नाम का एप्लीकेशन है, उस पर जाके आप ये सेम चीज़ कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे मोमोंडो जो है एक एप्लीकेशन है, उस पर भी आप फ़्लाइट्स जो है वो मालूम कर सकते हैं चीप से चीप आपकी डेट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन इसके हवाले से आपको एक चीज़ बताऊं कि जब आपको स्काई स्कैनर वगैरह पे फ़्लाइट चीप मिल जाती है, तो वहाँ पे ऑप्शन होते हैं कि कहाँ से बाय करना है। तो आप कोशिश करें कि डेट्स तो वहाँ से आप मालूम करें कि कौन से डेट्स में आपको सस्ती फ़्लाइट मिल रही है स्काई स्कैनर वगैरह पे, लेकिन आप जाके एयरलाइन की वेबसाइट से डायरेक्ट परचेस कर लिया करें, क्योंकि एयरलाइन की वेबसाइट पे वहाँ लिखा होता है कि इसके रिफंड पॉलिसी क्या है, और चेंज अगर डेट कल को चेंज करनी होगी तो उसकी क्या पॉलिसी है वगैरह वगैरह। तो आसानी होती है कल को अगर आपको चेंज करनी है या रिफंड करनी है या कैंसिल करनी है अपनी फ़्लाइट, तो फिर आपके लिए ईजी होगा। स्काई स्कैनर से आप डायरेक्ट परचेस करेंगे या किसी एजेंसी के थ्रू परचेस करेंगे, क्योंकि स्काई स्कैनर पर ज़्यादातर एजेंसीज जो है वो आती है कि वहाँ से परचेस करो जो चीप फ़्लाइट होती है। फिर उनका चेंज के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कैंसिलेशन पे रिफंड नहीं मिलता, महीनों लग जाते हैं,
तो इस चीज़ से अपने आप को आपने बचाना है और डायरेक्ट एयरलाइन से आपने लेना है। थोड़ा सा अगर कुछ पैसे ऊपर दे दो तो भी ठीक है, लेकिन एयरलाइन के थ्रू परचेज कर लिया करो, ठीक है। तो ये चंद एक टिप्स थी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, या पाकिस्तान से अगर आप ट्रेवल करते हैं या बाहर से भी करते हैं तो ये यूज़ करके आप चीप फ्लाइट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द।